हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो है और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। कल एक्चुअली मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मुझसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये छोटी सी वीडियो। सबसे पहली बात मैंने कही थी कि 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आई वॉज़ रॉन्ग। मैंने एक चैनल बनाया था 2-3 महीनों पहले, थोड़ा सा एक्टिंग डांसिंग के लिए, व्लॉग्स के लिए, डेली व्लॉग्स जो होते हैं उनके लिए। तो उसमें मैंने कल चेक किया, तो उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, मैं कम्युनिटी पे ज़रूर डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक करना। तो उसमें एक्चुअली 4 क्राइटेरिया थी जो मैं आपको बताना भूल गई कल। क्राइटेरिया ऐसी है कि सबसे पहले तो आपको 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है? 300 नहीं, मैंने 300 बोल दिया था कल। तो न्यू अपडेट के हिसाब से ये रूल नहीं है, ये अपडेट है, यूट्यूब की तरफ से आया हुआ। तो उसमें आपको 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात कि 90 डेज़ में, पिछले 90 डेज़ में आपके मिनिमम 3 वीडियोस अपलोडेड चाहिए। थर्ड थिंग कि आपको 4,000 नहीं लेकिन 3,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। एंड सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप शॉर्ट्स के लिए चैनल बना रहे हो तो 90 डेज़ में, मतलब 3 महीने में आपके मिनिमम 3 मिलियन व्यूज़ चाहिए, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। पहले जो अपडेट थे वो थे 1,000 सब्सक्राइबर्स, 4,000 वॉच टाइम, 10 मिलियन व्यूज़ एंड 6 वीडियोज़। लेकिन अब ये सारा सब चेंज हो चुका है। मैं रिपीट कर देती हूँ, 500 सब्सक्राइबर्स, 3,000 घंटे का वॉच टाइम, 3 मिलियन व्यूज़ ऑन शॉर्ट्स एंड 3 वीडियोज़ एटलीस्ट अपलोडेड ऑन योर चैनल पास्ट 30 डेज़, 90 डेज़, मतलब 3 महीने में। तो इस तरीके का ये अपडेट है और आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो कम्युनिटी पे भी चेक कर लीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है मेरे चैनल का। मेरे चैनल पे कुछ तो 74 सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस तो हो चुकी है अपलोड, एंड व्यूज़ तो बहुत कम है यार, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स ही डाल दिए, मैंने नॉर्मल ब्लॉग बनाया ही नहीं, तो इसलिए वॉच टाइम तो आएगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स का शॉर्ट में चला जाएगा। एंड नॉर्मल वीडियोज़ डालनी बहुत ज़रूरी थी, तो अब मैं थोड़ा सा डालूंगी उस पर, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो नया चैनल मैंने बनाया है डेली ब्लॉगिंग पे, तो आपके साथ शेयर करूँ। आई जस्ट होप कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर देखेंगे। लेकिन उस चैनल पे ब्लॉग्स कैसे बनाऊँ ये ज़रूर मुझे बताना, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। मैंने इस तरीके के चैनल्स देखे हैं लेकिन बनाए नहीं है, तो मैं उसमें हाउस होल्ड दिखाऊँ, अपना डेली रूटीन दिखाऊँ, मैं क्या दिखाऊँ, क्या करूँ, ये मुझे नॉर्मली समझ नहीं आता। तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। वीडियो बहुत छोटी है, 3 मिनट से ऊपर नहीं जाने दूंगी मैं, क्योंकि कल की वीडियो बहुत बड़ी थी। और वैसे मैंने कल के वीडियो में इतना गलत क्या बोला था मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। कुछ हेटर्स है भाई, वो कमेंट कर रहे थे, लेकिन उस वीडियो पे नहीं कमेंट किए, स्मार्ट, पुराने वीडियोस पे कमेंट किए ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिले और किसी को पता ना चले कि उन्होंने कमेंट किया है। बट कोई नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला था कल के वीडियो में, जो था वही बोला था। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इतना पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए और किसी को इतना इंपॉर्टेंट देना भी नहीं चाहिए। एनीवेज, ये वीडियो ज़रूर देखना, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अपना जो न्यू चैनल है जिस पर मैं सच में काम नहीं करी थी, लेकिन अब मैं सोच रही कि मैं काम करूँ, तो वो चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। प्लीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, ठीक है? YouTube के लिए मुझे 2-3 कमेंट्स आई थी कि स्टार्ट तो कर लिया है मोनेटाइजेशन, एंड व्यूज़ के लिए क्या करें। ऑनेस्टली बताओ, व्यूज़ तो मेरे चैनल पे नहीं आते, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ? अगर मेरा दूसरा वाला चैनल चल गया तो मैं आपको ज़रूर कुछ गाइड कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर बताऊँगी जो मेरे चैनल पर वर्कआउट नहीं हुए, हो सकता है आपके चैनल पर हो जाए। मुझे खुशी होगी अगर आपके चैनल थोड़े अच्छे से चलेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, वीडियो पूरी देखना, स्टे ट्यून, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस।